गुड मॉर्निंग गाइस, सब बहुत अंधेरा है क्योंकि लाइट है नहीं और मौसम बहुत ख़राब है। सो आज मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉगिंग करी जाए, वैसे तो पहले मैंने कभी करी नहीं है। तो ये व्लॉग बनाना है, अभी मैं तैयार होने जा रहा हूँ, मैं और मेरे साथ में एक और दोस्त है, फिर उसके बाद हम बरोक निकलेंगे जो कि सोलन में पड़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड टनल है, एशिया की सबसे हॉन्टेड टनल है ऐसे सुना है बरोक, और वहाँ पे हम लोग जाएंगे। प्लान में कुछ चेंजेस है कि हम लोग जाएंगे अब बाइक से, जो मेरे साथ दोस्त आने वाला है उसने बोला कि हम बाइक से जाएंगे। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड है। ये बरोक रेलवे स्टेशन और छोले भटूरे कुलचे सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है गाइस, जो आपको चाहिए। यहाँ से ऊपर स्विमिंग पूल भी मिल जाता है आप लोगों को भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी है। ये बरोक टनल 33 नंबर टनल, जो हिमाचल की सबसे भूतिया टनल कहते हैं जिसे, बड़ोग सुरंग नंबर 33, ये इसका इतिहास है। और ये सबसे लंबी, दूसरी भारत में सबसे दूसरी लंबी सुरंग थी और बहुत समय तक। और ये देखिए, और ये हिमाचल की आपके सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक है। इससे पहले जो एक सुरंग बनी थी वहाँ पर एक बंदा मरा था, शायद कुत्ते के साथ मरा था ना वो, हाँ यही हमने कहानी सुनी थी। और यह नाकामयाब सुरंग आज भी यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो अभी हम लोग वहाँ पैदल पैदल जाएंगे क्योंकि ये तो नॉर्मल सुरंग है और वहाँ जो दूसरी सुरंग है वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखती है, जो ये नई वाली है, ये काफ़ी लेट बनाई थी। और इससे पहले जो सुरंग बनाई थी वो कहीं और है, वो अभी हम लोग ढूंढेंगे और ऐसा ना हो यहाँ से नीचे जाना पड़े, पर जाना पड़े तो हम चले जाएंगे। ये कमांडो कमांडो हर कैसे ही हांडो, चलो अंकल से पूछताछ करने के बाद हमें ये पता लगा कि ये पुरानी सुरंग है इस तरफ और वो ऊपर है जिसे नाकामयाब सुरंग भी लिखा था वहां पे। अच्छा, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है और बैटरी भी नहीं है फोन में, पर व्लॉग नहीं रुकना चाहिए। बॉय, ट्रैकिंग भी हो गई हमारी साथ में और हम बरोक टनल के अंदर ही कैंप कर लेंगे। और भाई के बैग में स्नाइपर भी है, इसने जैकेट सीधी कर लूँ, अब अच्छा लग रहा हूँ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, कहाँ पहुंच गए भाई पता नहीं कहाँ पहुंचे हैं, पर ये रास्ता ऐसा है और ये चलता ही जा रहा है। यो गाइस, आप लोगों का स्वागत है वाइल्ड वर्सेस पहाड़ी बंदे में। बाबा है पहाड़ से और यहाँ पर देखो आग लगा दी है, ठंड से बचने के लिए हमें आग लगानी पड़ती है। देखिए पहाड़ी इलाकों में काफी ज्यादा ठंड होती है और ठंड से बचने के लिए आग लगानी पड़ती है, छोटी मोटी आग तो हम लगाते ही रहते हैं। ये देखिए, अब हम शिकार की तलाश में जाते हैं, जंगली मुर्गा। एक चीज तो मैं भूल गया भाई व्लॉग बनाते बनाते कि लाइक सब्सक्राइब कर देना यार। और भाई हम पहुंच तो गए और ये काफी ज्यादा अजीब है, ये काफी ज्यादा अजीब है, पुरानी बड़ोग सुरंग, दूरी 300 मीटर रह गया गाइज और ये कुछ अजीब सा ही है, इसे ना देखे तो ही अच्छा है। सफर का ही था मैं, सफर का रहा मेरे हिसाब से 100% मुंबई आओ यार। हम पहुंचे तो है कहीं और यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है और ये रही भाई टनल। भाई इसमें तो वाइब ही अलग आ रही है भाई, उफ।
तो यार काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह देख चुका था मैं पहले, और तभी मैं इस जगह पे आया। और जहाँ पर हम पहले गए थे वो थी बरोक टनल, जो इसके बाद बनाई है। और ये देखो, ये है जो बहुत पहले बनाई थी, और इसके अंदर जाके एक बार देख ही लेते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर मिला था काफ़ी टाइम पहले, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर मिला था, और अंग्रेज़ों ने सोचा कि इसके बीच से टनल निकालेंगे, और ये काफ़ी मुश्किल काम था। और किसी बंदे को ये दिया था टास्क, और वो टास्क पूरा नहीं कर पाया, इसलिए वो अपने कुत्ते के साथ जाके यहाँ मर गया था, उसने सुसाइड किया था। और ये भी लगा रखा है, और यहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड भी लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई है ऑलरेडी। ये है टनल भाई, और इसके अंदर पानी ही पानी है। टनल ये ऊपर से ऐसी है, और मतलब बन रही थी ये भी जस्ट। यहाँ उतरने के लिए पत्थर तो रखा है, दियो जरा फोन उतर के देखो एक बार। पर आगे बिल्कुल अंधेरा है, और आगे इतना अंधेरा है कि कुछ नहीं दिख रहा। और नीचे जाने की ट्राई करता हूँ एक बार। ये यहाँ पर पुराना गेट है, और नीचे जाने की एक बार मैं ट्राई करता हूँ। और भाई यहाँ तो अंदर जाना मुश्किल है, क्योंकि अंदर है चमगादड़। किसने जाना हो आ जाना, किसने जाना हो आ जाना। और अगर हम यहाँ से नीचे भी जाते ना यार, तो फिर ना यहाँ पर लाइट करिए जरा दो मिनट। यहाँ पे एक पत्थर है, उतरने का रखा है, पर आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं। तो यहाँ से बाहर आ गए। और ये पत्थर का ही बना है। अच्छा एक लास्ट स्टेप करके जाते हैं यहाँ से, और वो ये है कि अगर भूत तुम्हें बुरा लगाओ तो माफ करना। और हम ये दरवाजा बंद करके जा रहे हैं, और ये बंद कर दिया। ताला वाला यहाँ पर लगा है, पर तोड़ रखा है। और ये तार वगैरह भी है, और ये भी खोल रखी है। यहाँ से बंद कर रखी थी, तो भाई वो बना रहा था उस टाइम पे। ये बात है भाई 90s की। यार देखो अभी तो हम लोग आ गए यहाँ से, क्योंकि 6 बज चुके हैं, पर पता नहीं आज अंधेरा नहीं हो रहा। अगली बार शायद हम फिर से आए अच्छे से और अंदर घुस जाए। काफ़ी मुश्किल है वैसे, मजाक कर रहा हूँ, नहीं जाऊँगा। अबे साले, मेरे को लगा इस बात को सुन के तुम एकदम से लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे। वापस जाते जाते हमें ये चीज फिर से मिली है, और ये तो ये बताता हूँ कि ये टनल है कहाँ पर। मैप पे बरोक टनल पूरा आता है, बरोक टनल के साथ ही में एक सीढ़ियाँ जाती है ऊपर को, और एक अच्छा रास्ता है। और यहाँ पर ताकि लोग भटके ना, इसीलिए जब ऊपर चढ़ जाएंगे आप लोग तो ये निशान लग रखे हैं पेड़ पे, और ये सभी पेड़ पे है ताकि लोग भूल ना जाए और इसके सहारे आगे आते रहे। और फिर जो आपने आगे बोर्ड देखा था वो आपको दिख जाएगा। ये मेरा पहला व्लॉग है यार गाइज, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। मैं इसको अपने पुराने चैनल पे डालूंगा, जिस पे मैं गाने वाने बना रहा हूँ। वो हम एक लेबल के थ्रू ही डाल रहे हैं, कलाकार्स, जो कि मैं, मेरा भाई अनिरुद्ध, हम उस चैनल पे और भी अच्छे अच्छे गाने लाएंगे। और अभी हमारा एक लेटेस्ट ट्रैक आने वाला है, जो कि है ओ मेरी जाने जा, और काफ़ी ज़्यादा फंकी ट्रैक है। और ज़्यादा कुछ है नहीं, घूमने के लिए हम लोग निकलते रहते हैं, अच्छी अच्छी जगह आप लोगों को दिखाते रहेंगे। एंड सी यू गाइस, बाय बाय।